फ्रेंड्स, मैं गरिमा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द परफेक्ट पैलेट बाय गरिमा में। आज मैं बनाने वाली हूं एकदम हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली डिश। आप इसे ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो ये है समा के पोहे, जिसको आप मिलेट के नाम से भी जानते हैं, और ये बार्नयार्ड मिलेट है। और मैं आज इसके पोहे आपको बनाना बताऊंगी। और ये मैंने फुल ऑफ वेजिटेबल्स बनाया है। आप चाहे तो कोई सी भी वेजिटेबल हटा सकते हैं या आप अपनी पसंद की कोई सी भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने 1 कप के करीब बार्नयार्ड मिलेट के पोहे लिए हुए हैं। इसको सामा भी कहते हैं और ये एक मोटा अनाज कहलाता है। तो आज मैं इसके पोहे बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमको इन फ्लेक्स को थोड़ा सा भिगा लेना है। तो हम चम्मच चम्मच पानी डाल के भिगाएंगे, अदरवाइज़ ये पूरी तरीके से घुल जाएंगे और हम मिलाते भी जाएंगे। पानी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और तब तक हम सारी वेजिटेबल्स चॉप करके रख लेते हैं। हमारे पोहे भी भीग गए हैं और मैंने वेजिटेबल्स भी चॉप कर ली है। मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू कट कर लिया है, एक मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली है, एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया है, और मैंने कलरफुल शिमला मिर्च ले ली हैं, थोड़े से मैंने कॉर्न ले लिए हैं, और थोड़े से मैंने मटर ले लिए हैं, और साथ में मैंने मूंगफली भी ले ली है। और तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा सरसों ले लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है, और हींग ले लिया है, और हरी मिर्च मैंने 1 ली हुई है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने करी पत्ता ले ली है। और वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की कोई सी भी घटाया बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। और तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें तड़का डाल देते हैं। अब प्याज डाल देते हैं। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेते हैं। अब हम आलू डाल लेते हैं, तो साथ में सभी चीज़ें अच्छे से भुनती रहेंगी। और फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे। आलू और प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है, तो अब हम इसमें मूंगफली, मटर और कॉर्न डाल देंगे। और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम भूनेंगे और 5 मिनट के लिए कवर करके पका देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जल्दी सब पक जाएगा। 5 मिनट बाद हम इसमें टमाटर और शिमला मिर्च डाल देंगे। फिर हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। इसमें आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां डाल सकते हैं आप डालिए, इससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर लेते हैं। आलू भी हमारे हाफ कुक हो चुके हैं और अब इस स्टेज में हम टमाटर और हमारी शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च डाल देते हैं। हमने टमाटर डाल दिया है, तो अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें सॉल्ट डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से चला देंगे और अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी वेजिटेबल्स पकी है नहीं। सब्जियाँ हमारी सारी पक चुकी हैं और अब बारी आती है कि हम पोहे इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, मैंने 1 कप लिए थे पोहे और ये जस्ट डबल हो चुके हैं फूल के। अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिलेट के पोहे खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, साथ ही साथ ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए कवर करके पका लेते हैं। पोहे को कवर करके पकाते हुए
5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। पोहे बहुत अच्छे से पक चुके हैं और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। थोड़ा सा अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे और थोड़ा सा अनारदाने डाल देंगे। लीजिए, हमारे गर्मा गर्म सवा के पोहे एकदम रेडी हैं और आप भी इसे घर में ज़रूर बनाइए, और कैसे लगे आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब हम मिलते हैं जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक बात तो कहना मैं भूल ही गई, आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।